उदयपुर, जिसे आज हम धर्मजयगढ़ के नाम से जानते हैं। धर्मजयगढ़ स्वतंत्रता से पहले उदयपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इस जगह का नाम बदलकर धर्मजयगढ़ कर दिया गया, जिसका नाम उस समय उदयपुर राज्य के शासक राजा बहादुर धर्मजीत सिंह देव के नाम पर रखा गया था। तब से उदयपुर को धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है धर्मजयगढ़ के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, कितने धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं? अगर नहीं तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो जय जोहार दोस्तों, मैं हूँ ओम राठिया और आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो धर्मजयगढ़ के टॉप 5 प्लेस वीडियो को बहुत प्यार दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों धर्मजयगढ़ जो छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ जिले का एक नगर पंचायत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई आदि धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, बंगाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में धर्मजयगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के माननीय श्री लालजीत सिंह राठौर जी विधायक हैं। दोस्तों धर्मजयगढ़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का तालुक मुख्यालय और प्रमुख शहर है। यह रायगढ़ जिले से रायगढ़ अंबिकापुर राजमार्ग पर लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धर्मजयगढ़ की ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं में निकटतम हवाई अड्डा रायपुर और सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन रायगढ़ और खरसिया हैं। धर्मजयगढ़ से रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रांची, बनारस, अंबिकापुर आदि के लिए बस की सुविधाएं उपलब्ध है। दोस्तों धर्मजयगढ़ शांत वातावरण वाला एक सुंदर शहर है, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। मानसून में चारों ओर हरियाली छा जाती है, जो देखने में बहुत ही मनोरम लगती है। शहर को दो भागों में बांटा गया है, एक छोटे पठार के ऊपर स्थित है और दूसरा नीचे पारा के रूप से जाना जाता है। धर्मजयगढ़ में पर्यटकों के आकर्षण के लिए विभिन्न स्थान हैं। फर्स्ट अम्बे टिकरा, इसे अम्बे टिकरा भी कहा जाता है, जहां नदी के किनारे देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। सिसरिंगा, यहाँ एक प्रमुख घाटी है, यहाँ की घुमावदार सड़कें और पहाड़ पर एक छोटा सा मंदिर जो सिसरिंगा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आमादरा, यहाँ मांड नदी के किनारे स्थित सुंदर पिकनिक स्पॉट है, जहाँ पहाड़ी ढलान और आच्छादित वन है। गायत्री मंदिर, यह शहर के अंदर मंदिरों में से एक है। दशहरा महोत्सव, यहाँ की दशहरा महोत्सव को कौन नहीं जानता। हर साल दशहरा में क्लब मैदान में कार्निवल उत्सव व रावणदहन के साथ दशहरा उत्सव मनाया जाता है। उद्यान विभाग नर्सरी, यह एक टाउन गार्डन की तरह है, जहाँ कई प्रकार के फल फूल के पौधे उगाए जाते हैं। पोरिया वाटरफॉल, यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सुंदर जलप्रपात है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। क्रोंधा बांध, यह धर्मजयगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, इसे लिकोव बांध भी कहते हैं। लिखामाड़ा उमना, यहाँ आदि मानवों द्वारा पत्थरों पर कलाकृति किया गया है, जिसे रॉक पेंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं धर्मजयगढ़ के अंतर्गत टोटल कितने गांव आते हैं और उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो दोस्तों धर्मजयगढ़ के अंतर्गत लगभग 189 गांव आते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा है विजयनगर पंचायत और सबसे छोटा है छेरचुची। दोस्तों धर्मजयगढ़ क्षेत्र के ज़्यादातर लोग किसान हैं एवं मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो ज़्यादातर वर्षा पर आधारित है और यहाँ की मुख्य फसल धान है। दोस्तों धर्मजयगढ़ क्षेत्र की जनसंख्या 2011 के सर्वे के अनुसार 14,354 थी, जो अभी के डेट में लगभग 20,000 से ऊपर ही होगी। दोस्तों यहाँ की शिक्षा के बारे में बात करें तो बहुत सी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और एक कॉलेज भी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।